हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों पढ़ेंगे गणित के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस करेंगे जो कि आगामी बीपीएससी टीआरई 2 में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले सवाल से। पहला सवाल है, लेमडा के किस मान के लिए युगपत समीकरण x प्लस 2y बराबर 70 और 2x प्लस लेमडा वाई बराबर 35 का कोई हल नहीं होगा, कैसे लगाएंगे दोस्तों। ऐसे सवालों को दोस्तों लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका दाहिना पक्ष जीरो करेंगे। इसका दाहिना पक्ष जीरो कर देते हैं और इसका भी दाहिना पक्ष जीरो कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए, हमने दाहिना पक्ष जीरो कर दिया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, कोई हल न होने का प्रतिबंध यहाँ लिखेंगे। तो दो युगपत समीकरण का कोई हल न होने का प्रतिबंध होता है दोस्तों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का मान रखकर हल करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों a1 बटा a2 का मान क्या होगा, a1 का मान यहाँ दोस्तों हो जाएगा 1 और a2 का मान हो जाएगा यहाँ पे 2, तो यहाँ मिलेगा 1/2 बराबर b1 बटा b2, b1 का मान यहाँ है दोस्तों 2 और b2 का मान है लेमडा, तो यहाँ हो जाएगा 2/λ नॉट इक्वल c1 का मान -70, -70 रखेंगे, c2 का मान -35 हुआ। अब इसी में दोस्तों लेमडा का मान हल करते हैं, इन दोनों की तुलना करके हल कर लेते हैं। तो लेमडा में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा लेमडा, और 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे लेमडा का मान कितना आएगा दोस्तों 4, 4 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, ऑप्शन सी जो है इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पे दो समीकरण दिया है, इसको हल करना है, एक्स और वाई का मान बताना है, कैसे लगाएंगे दोस्तों। सबसे पहले दोनों समीकरणों को हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको दोस्तों विलोपन विधि से हल करेंगे। यहाँ पे दोस्तों y का चिन्ह देखिएगा प्लस है और यहाँ पे y का चिन्ह माइनस है, तो सबसे पहले समीकरण को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर ये y वाला फैक्टर कट जाएगा, यहाँ बचेगा दोस्तों 2/x और बराबर 4 और 0 को जोड़ेंगे कितना आएगा 4, 4/1 लिख लेते हैं। अब इसको दोस्तों हल करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4x बराबर कितना 2, x का मान हल करेंगे तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 1/2। अब y का मान निकालना है दोस्तों, तो इस x का मान हम क्या करेंगे इसी समीकरण में हम रख लेते हैं, चाहे इस समीकरण में रखिए चाहे इस समीकरण में रखिए। तो 1/x प्लस 1/y बराबर कितना 4, 1/x। अब यहाँ पे दोस्तों x का मान रखेंगे 1/2, 1/2 प्लस 1/y बराबर कितना 4, तो यहाँ पे दोस्तों ये 2 जाएगा ऊपर, 2×1 = 2 और प्लस 1/y बराबर कितना 4, तो 1/y बराबर हो जाएगा 4 − 2, तो दोस्तों यहाँ मिलेगा 1/y का मान कितना मिलेगा 2, 2/1 हो गया, तो y का मान कितना आएगा 1/2, तो x का मान 1/2, y का मान 1/2। देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई बताइए, कैसे लगाएंगे दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, यदि आधार की लंबाई को दोस्तों हम मान लेते हैं x, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी x प्लस 7 हो जाएगा। सूत्र लगाएंगे दोस्तों, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणते आधार गुणते ऊंचाई, क्षेत्रफल दिया है 30, 1/2 गुणते आधार कितना है x, ऊंचाई कितना है x प्लस 7। इसको दोस्तों हल करेंगे तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा x² + 7x - 60। अब इसी का फैक्टर करते हैं, तो 60 का ऐसा फैक्टर करें कि घटाने पर 7 आ जाए, तो 12 × 5 = 60, 12 में से 5 जाएगा दोस्तों कितना आएगा 7 आएगा। तो जैसा कि यहाँ पे हमने फैक्टर कर दिया है, तो फैक्टर करने पर दोस्तों क्या आएगा x + 12 और x - 5 आएगा। इसमें दोस्तों यदि हम x + 12 का मान निकालेंगे तो यहाँ x का मान माइनस में आएगा, क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए x + 12 को क्या कर देंगे छोड़ देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे x - 5 = 0 करके x का मान निकाल लेते हैं, तो जब दोस्तों x - 5 = 0 होगा तो x का मान कितना आ जाएगा इसमें 5 आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि आधार की लंबाई बताइए, तो हमने आधार को क्या माना था x माना था, तो x का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, तो आधार की लंबाई 5 सेंटीमीटर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, किसी समांतर श्रेणी का n-वां पद 6n + 2 है, इसका सर्वांतर बताइए, कैसे निकालेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इस n-वें पद की सहायता से हम एक श्रेणी बना लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले n का मान रखेंगे 1, तो t1 बराबर हो जाएगा 6 × 1 + 2, तो 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 8।
अब दोस्तों इसमें यन का मान दो रख लेते हैं, तो यन का मान दो रखेंगे तो 6 × 2 + 2, 6 × 2 = 12, 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यन का मान दोस्तों 3 रख लेते हैं तो 6 × 3 + 2, 36 × 18, 18 2 कितना हो जाएगा 20। ऐसे दोस्तों आगे तक चलता रहेगा, तो यहाँ पे श्रेणी बन गई 8, 14, 20 का, ये चलता रहेगा ऐसे अनंत तक। पूछ रहा है दोस्तों सर्वांतर ज्ञात कीजिए, तो सर्वांतर का सूत्र होता है दोस्तों द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 14 में से 8 घटा देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 6, 6 जो है इसका सर्वांतर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, कैसे लगाएंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि दो अंकों वाली संख्या जो है कहां से शुरू होती है जो 3 से कटेगी, तो 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, डैश 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 लास्ट वाली संख्या कौन सी मिलेगी दोस्तों 99 जो 3 से कटेगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अंतिम पद दिया है 99, एल का मान 99 हो गया, प्रथम पद कितना दिया है 12, सर्वांतर डी का मान निकाल लेते हैं द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 15 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा 3 आएगा। यहाँ पे पदों की संख्या एन पूछ रहा है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं दोस्तों जो 3 से कटेंगी, तो हमें इसमें एन का मान निकालना है, तो सूत्र लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एल का मान 99, ए का मान 12, एन हमें निकालना है, डी का मान 3। सॉल्व करेंगे दोस्तों तो सॉल्व करने पर दोस्तों एन का मान कितना आएगा 30 आएगा, तो 30 ऐसी संख्याएं हैं दोस्तों जो दो अंकों की हैं और वो 3 से पूरी तरह से कट जाती हैं। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सी वाला जो है इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, त्रिभुज AHK और त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है, यदि AK बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर, HK बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो AC का मान बताइए, कैसे निकालेंगे दोस्तों। सबसे पहले यहाँ दिया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज AHK क्या है, समरूप त्रिभुज है। जब दोस्तों दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, अर्थात AB बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, AB बटा हो जाएगा AH, AB बटा AH बराबर BC बटा हो जाएगा HK, BC बटा HK हो जाएगा, फिर बराबर लिखेंगे दोस्तों AC बटा AK हो जाएगा, AC बटा AK। अब इसी में वैल्यू रखते हैं दोस्तों, AK का मान कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो यहां रखेंगे AC बटा AK का मान दिया है यहां पे 10 सेंटीमीटर, और दोस्तों यहां पे BC का मान दिया है 3.5 सेंटीमीटर, BC का मान 3.5 सेंटीमीटर बटे HK का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, तो यहां रखेंगे 7 सेंटीमीटर। इन दोनों का मान नहीं दिया है दोस्तों तो इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब इसी की सहायता से हम AC का मान निकाल लेते हैं, तो AC बराबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे AC बराबर हो जाएगा 3.5 × 10 और बटे कितना 7, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, 0.5 आएगा दोस्तों, तो AC बराबर हो जाएगा 10 में 0.5 का गुणा करेंगे दोस्तों कितना आएगा 5 आएगा, तो AC का मान 5 सेंटीमीटर होगा यहाँ पे, तो 5 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक घनाभ के आकार के डिब्बे में जिसकी माप 8 × 6 × 3 मीटर है में कितने नमक से भरे थैले रखे जा सकते हैं, प्रत्येक थैला 0.64 घन मीटर स्थान घेरता है। तो दोस्तों घन मीटर किसका मात्रक होता है, आयतन का मात्रक होता है, इसका यह मतलब है हमें जो है इन दोनों का क्या निकालना है, आयतन निकालना है और दोनों से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो नमक से भरे थैलों की संख्या ज्ञात करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, घनाभ का आयतन बटे एक थैले का आयतन, तो घनाभ का आयतन निकालेंगे दोस्तों लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई, लंबाई 8, चौड़ाई 6, ऊंचाई 3 दिया है और एक थैले का आयतन दिया है 0.64 घन मीटर, तो यहां रख लिया। अब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 64, 4 × 8 = 4 दोस्तों 25 बार जाएगा, 2 से काटेंगे यहाँ पे 2 × 3 = 6 जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे कितना जाएगा 25 × 9 = 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 225 हो जाएगा। तो नमक से भरे थैलों की संख्या कितनी होगी 225, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, ऑप्शन ए जो है इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, ब्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 × 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है, चबूतरे की ऊंचाई क्या है, कैसे निकालेंगे दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा एक कुआं है
जिसका व्यास दिया है 7 मीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2 मीटर हो जाएगा। और कुआं जो है कितनी गहराई तक खोदा गया है, 20 मीटर की गहराई तक खोदा गया है, तो ये कुआं की ऊंचाई कितनी हो गई, 20 मीटर। और ये कुआं किसके आकार का होता है दोस्तों, बेलन के आकार का होता है। तो इस कुएं से जितनी भी मिट्टी निकाली गई दोस्तों, इसी मिट्टी से क्या बनाया जा रहा है, एक चबूतरा बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दिया है, ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। तो ऊंचाई हम मान लिए यहाँ पे कैपिटल एच है। तो दोस्तों यहाँ पे एक प्रतिबंध लगेगा कि खोदी गई मिट्टी का जो आयतन है वो चबूतरे के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसी मिट्टी से चबूतरा बनाया जा रहा है, तो इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो खोदी गई मिट्टी का आयतन क्या होगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच बराबर चबूतरे का आयतन लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई हो जाएगा। पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान 7/2 गुणते 7/2, एच का मान दिया दोस्तों यहाँ पे 20, लंबाई दिया है 22 मीटर, चौड़ाई है यहाँ पे 14 मीटर। कैपिटल एच का मान निकालना है दोस्तों। अब इसी को क्या करते हैं दोस्तों, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा दोस्तों। 4 से 100 काटेंगे तो कितनी बार जाएगा यहाँ पे, 5 बार जाएगा। 22/4 कितना बचेगा, 14 बराबर कितना, एच। 7 से काट देते हैं दोस्तों, 7 × 2 = 14 और 7 × 5 = 35, 2 से भाग करेंगे दोस्तों कितना जाएगा, 2.5 मीटर। तो चबूतरे की ऊंचाई कितनी हुई दोस्तों, 2.5 मीटर। 2.5 मीटर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। पहला वाला इसका उत्तर जो है मैच कर रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। ये आकृति दिया हुआ दोस्तों, इसमें ये जो छायांकित भाग है इसी का हमें क्षेत्रफल बताना है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये केंद्र हो गया और यहां से लेकर यहां तक ये त्रिज्यखंड बना रहा है और यहां भी एक त्रिज्यखंड बना रहा है। यहाँ पे कोण दिया है कितना दोस्तों, 60 अंश दिया है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे छोटे त्रिज्यखंड की त्रिज्या दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर, और बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4 + 3 = 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं सूत्र लगा के दोस्तों, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसमें दोस्तों देख लेते हैं क्या कॉमन है, पाई थीटा बटे 360 कॉमन है, कॉमन कर लिया, बचेगा कितना, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों पाई का मान हम रखेंगे 22/7 रखेंगे, थीटा का मान 60 अंश और 360 यहाँ पे अपने जगह पे है। कैपिटल आर का मान दोस्तों दिया है 7 सेंटीमीटर, स्मॉल आर का मान दिया है 4 सेंटीमीटर। अब इसी को दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद दोस्तों हमारा कितना आ गया यहाँ पे, 121/7 आएगा। इसको दोस्तों भाग करेंगे दशमलव के एक स्थान तक तो 17.2 वर्ग सेंटीमीटर ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हमें मोटिवेट करता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।